वर्ल्ड वाइड की सभी इंटरनेशनल फ्लाइटें फिर से सस्पेंडेड ही हो रहा है। 15 देशों ने अब तक इंटरनेशनल फ्लाइटों को सस्पेंडेड कर चुका है। साउथ अफ्रीका में कोरोना वायरस का एक वेरिएंट मिला है। ये बहुत ही खतरनाक वेरिएंट है। इस पर कोई भी कोरोना वायरस की वैक्सीन असर नहीं हो रहा है और ये बहुत ही तेजी से फैल रहा है। WHO ने सभी देशों को अलर्ट भी इशू किया है। इस वेरिएंट का नाम B.1.1.529 नाम के संक्रमण पाए जा रहे हैं। अब तक इससे 100 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोई भी वैक्सीन इस पर असर नहीं कर रहा है। अब तक ये वायरस कई देशों तक फैल चुका है, जैसे कि हांगकांग, बेल्जियम, बोत्सवाना और इजराइल तक ये कोरोना वायरस का यह नया वेरिएंट फैल चुका है। इस नए वेरिएंट की वजह से अफ्रीकन कंट्री की फ्लाइटों को सभी देशों ने ही सस्पेंडेड कर रहा है, जिसमें UAE, सऊदी अरबिया, बहरीन, USA, UK, इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, हांगकांग, डेनमार्क, बेल्जियम और नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीकन देशों के फ्लाइटों को सस्पेंडेड कर दिया है। साउथ अफ्रीकन कंट्री जिसमें नामीबिया, इश्वातिने, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, लेसोटो और साउथ अफ्रीका जाने वाली सभी फ्लाइटों को सस्पेंडेड किया ही जा रहा है। आज सुबह ही UAE और सऊदी अरबिया ने इंटरनेशनल फ्लाइटें इन 7 देशों के लिए सस्पेंडेड कर दिया है। भारत भी 15 दिसंबर से रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइटों को चालू करने जा रहा है, लेकिन इन देशों के लिए फ्लाइटें चालू नहीं होगा और जो लोग इन देशों से आ रहे हैं इनके लिए नया ट्रैवल गाइडलाइन जारी किया गया है, जो मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए।